Congress leader Rashid Alvi today took a dig at the Modi government after the Attorney General Mukul Rohatgi gave an opinion to Speaker Sumitra Mahajan that neither parliamentary tradition nor the law backed the Congress's claim. He also accused the VHP of spreading communal divide across the country. Congress had based its claim for the Leader of Opposition post on the law relating to salary and allowance of Leader of Opposition in Parliament Act 1977. The 1977 law provides the largest opposition party to get the Leader of Opposition post. Exclusively talking to NNIS, Alvi rejected the comments of Attorney General and said that it is a responsibility of the Speaker to look into the matter. Maujooda Sarkar faisla pehle leti hai aur us faisle ke mutabik arguments taiyar karti hai. अटॉर्नी जनरल का इससे कोई मतलब नहीं है. पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. ये जिम्मेदारी स्पीकर की है. जो फैसला वो कर रहे हैं वो देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करता है. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें LOP का मशवरा शामिल होता है. सरकार LOP को इसीलिए रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती कि अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो सारे अपॉइंटमेंट्स में उसका मशवरा ज़रूरी होगा. सरकार अपनी मनमानी करना चाहती. देखिए, ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और कुछ नेताओं का सिर्फ यही काम है कि वो कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ें, देश के अंदर नफरत की आग फैलाएं. उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि सख्ती के साथ इन मामलों से निपटे. जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करें. कारगिल दिवस हमारी फौजियों का एक बड़ा कारनामा था. विजय प्राप्त की उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन साथ साथ सरकार को, राजनीतिज्ञों को आज के दिन सबक भी लेना चाहिए कि राजनीतिज्ञों की गलती से ही कारगिल हुआ था. उनके गलत फैसलों की वजह से, आंखें बंद कर लेने से कारगिल हुआ था. भविष्य के अंदर कोई दूसरा देश हमारी तरफ आंख उठा के न देख पाए, इसका कमिटमेंट, शपथ आज हमें लेनी चाहिए. यही कारगिल के नौजवानों को, उन शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी. पावर्ड बाय NNIS.